सलाम, आदाब और बहुत बहुत वेलकम। क्या आप भी बड़े पेट और मोटापे से परेशान हैं और चाहते हैं वेट लॉस करना, वजन कम करना? वेट लॉस मिशन को पूरा करने में आपकी मदद ये ककड़ी कर सकती है। आज की वीडियो में इसे खाने का सही तरीका बताऊंगी। सारी दुनिया के लोग वजन कम करने के लिए ककड़ी का यूज़ करते हैं, और यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या चीज़ मिलाते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। इसके लिए बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चले फटाफट से ककड़ी को छील लेते हैं। ककड़ी को छीलने से पहले इसका टॉप का और बॉटम का हिस्सा हटा दें। ककड़ी में काफी क्वांटिटी में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, ए कैरोटीन, बी कैरोटीन, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी और फैट पाया जाता है, साथ ही पानी अधिक मात्रा में भी होता है। ज्यादा फाइबर की मात्रा होने की वजह से ये पेट में बहुत समय तक रहता है, ऐसे में लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगती है। क्रेविंग कम होने की वजह से लोग चिप्स, चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड से दूर रहते हैं। इस वजह से हमें पाचन संबंधी समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ता। खीरे को छीलने के बाद इसे चिप्स कटर की मदद से हम इसके चिप्स काट लेंगे। आप चाहें तो चाकू से इसके मन मुताबिक पीस कट कर लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में खीरा बहुत फायदेमंद होता है। एक मीडियम साइज का छिला हुआ खीरा खाने से आपको विटामिन मिलता है। तो एक खीरे को मैंने बिना छिले इसके चिप्स निकाल लिए, दूसरे खीरे को मैं छिलके समेत इस तरह से इसके चिप्स निकाल लेती हूँ। इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो तो ये खीरा किसने में ही निकाल दे रही है, तो मुझे इस बात का एहसास है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, तभी तो आप इसका यूज़ अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो बात बस इतनी सी है, पर है बड़े काम की। दोनों तरह के चिप्स को अलग अलग करके इनमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च भी वजन को कम करने में काफी हद तक किरदार अदा करती है। और इसके साथ इसमें मेन चीज जाएगा समुद्री नमक, सॉल्ट जो हम यूज करते हैं 1/4 टीस्पून। इसको अगर आप नमक के साथ ही यूज करेंगे तो आप महीने में 7 किलो तक वेट अपना लॉस कर सकते हैं। बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। खीरे में बहुत कम क्वांटिटी में कैलोरी होती है, इसी की वजह से मोटापा कम करने के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे सिर्फ खीरा ही नहीं, इसका छिलका भी बहुत उपयोगी होता है, तो आप चाहें तो इसे बिना छिले भी यूज कर सकते हैं। खीरे के छिलके में ऐसे फाइबर मौजूद होते हैं जो घुलते नहीं है। ये फाइबर पेट के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। कब्ज की परेशानी को दूर करने में भी ये काफी कारगर है। खीरे के छिलके से पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो आज से ही खीरे के छिलके को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। वैसे तो खीरा भी वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छिलके के साथ इसका सेवन करना और भी अधिक फायदेमंद हो जाता है। खीरे के सलाद पर हम थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऊपर से भुरक देंगे। डॉक्टर ने बताया कि इससे ये डिटॉक्स करता है, तो जो हमारे मैदे में टॉक्सिन होते हैं उससे हमें कई त्वचा रोग हो जाते हैं और जिसमें की भी कई बीमारियां होती हैं, तो उसको डिटॉक्स करके उन कई बीमारियों से हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखता है, मैदे को भी स्वस्थ रखता है, लीवर भी स्वस्थ रहता है इससे। और इससे रिहाइड्रेशन जो हो जाता है, पानी की कमी, तो गर्मियों में सबसे अच्छा रिहाइड्रेशन के लिए ड्रिंक ये ही या सलाद आपके लिए बहुत ही मतलब यूजफुल रहेगा। ऑल वर्ल्ड में वजन कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो आप भी अपने डेली डाइट में इसे यूज करके और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।